नमस्कार, मैं विकास कुमार, बीसीए की मैथमेटिक्स वन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। बीसीए की मैथमेटिक्स में हम लोग लिमिट को पढ़ रहे थे। लिमिट के कुछ टॉपिक, कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग कवर कर चुके थे। इसी कड़ी में आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, वो हम लोग शुरू करेंगे कि इवेल्युएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट। देखिए, इवेल्युएशन ऑफ लिमिट को हम लोग ने कई मेथड से करना सीखा था। हम लोग ने फैक्टराइजेशन मेथड से भी इसको किया था। फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग ने पढ़ा था। हम लोग ने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशंस पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था कि स्टैंडर्ड लिमिट का फार्मूला हम लोग ने पढ़ा था। ठीक है, तो स्टैंडर्ड लिमिट कैसे यूज़ की जाती है। हम लोग ने ये भी देखा था कि जब लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी हो तब लिमिट को इवेलुएट कैसे करते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम लोग जो पढ़ेंगे, इवेलुएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आप लोग को याद रहने चाहिए। जैसे पहला रिजल्ट क्या है कि लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। आप देखिए, डायरेक्ट यहाँ पे पुट करिए, थीटा की जगह अगर आप जीरो रखते तो साइन जीरो आएगा और साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। ऐसे ही सेकेंड जो रिजल्ट हैं वो क्या है, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो कोस थीटा इज इक्वल टू वन। कैसे करेंगे आप देखिए, इसमें कोस और जीरो रखिए डायरेक्ट, तो कोस जीरो कितना हो जाएगा, कोस जीरो की वैल्यू आपकी वन होती है। ऐसे ही तीसरा रिजल्ट और इम्पोर्टेंट रिजल्ट है ये कि लिमिट टेंस थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा अपॉन थीटा इजकल टू वन होता है। देखिए, यहाँ पे मैं आप लोग को प्रूफ नहीं करा रहा हूँ, किसी भी फार्मूले का मैं आपको प्रूफ नहीं कराऊंगा। इसलिए नहीं कराऊंगा क्योंकि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू वन होता है। दूसरा, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो टेन थीटा अपॉन थीटा भी आपका वन के बराबर होगा। अब इसको आप ऐसे याद रखिए, देखिए जो भी यहाँ पे एंगल में होगा वो अगर नीचे भी होगा और लिमिट टेंस टू जीरो होगी तो आप उसको, आपको वन आप लिख दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही जैसे यहाँ पे थीटा है, नीचे भी थीटा है, यहाँ पे अगर टू थीटा होता, नीचे भी टू थीटा होता, तो मैं इसको कह देता कि ये वन के बराबर होगा। ठीक है, तो जब हम लोग लिमिट के क्वेश्चन करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट के क्वेश्चन करेंगे, तो हम लोग या तो इन रिजल्ट के बेस पे उनका सोल्यूशन करेंगे या फिर हम लोग कुछ एक्सपेंशन का यूज करके भी कर सकते हैं। तो एक्सपेंशन क्या है, देखिए साइन थीटा को मैं एक्सपेंड करके इतना लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अगर आप कहेंगे कि सर ये एक्सपेंशन कहाँ से आया है, तो अभी के लिए फिलहाल आप इसको रट लीजिए। रटने के अलावा अभी आपके पास कोई साधन है, हालांकि जब मैं आगे चल के एक्सपेंशन पढ़ाऊंगा तो ये वहाँ पे उनके इनका प्रूफ है, तो अभी के लिए आप इनको रट लीजिए। तो साइन थीटा का एक्सपेंशन क्या होता है, थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस थीटा टू द पावर 7 अपॉन 7, ये ऐसे चलेगा, प्लस माइनस चलेगा। साइन थीटा के केस में ऑड पावर होगी और कोस थीटा के केस में, कोस थीटा के केस में इवन पावर होगी। जैसे यहाँ पे देखिए 1 है तो थीटा टू द पावर 2, थीटा टू द पावर 4, थीटा टू द पावर 6, और ऐसे ही जो टेन थीटा का एक्सपेंशन है, ये टेन थीटा का एक्सपेंशन ये रहा। तो कुछ रिजल्ट हम लोग ने यहाँ पे लिखे हुए, ये रिजल्ट आप लोग को याद रखने पड़ेंगे। आइए अब देखते हैं, एक एक क्वेश्चन को करते हैं। एक बार ये जो एक्सपेंशन है इनका यूज करेंगे, एक बार ये जो रिजल्ट है इनका यूज करेंगे। देखिए, तो तीन क्वेश्चन यहां पे लिखे, दोनों से करके देखते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट लिखा हुआ है कि लिमिट x टेंस टू जीरो साइन 3x अपॉन x। ठीक, ये हम लोग को सॉल्व करना है। अब देखिए, मैंने आपसे कहा था कि जो यहां पे एंगल में लिखा रहता, आप देखिए यहां पे जो यहां एंगल में, वही एंगल में है, वही डिवाइड में, सॉरी। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है 3, यहां पे तो 3 नहीं लिखा हुआ है, तो केवल x लिखा हुआ है। यहां पे लिखा हुआ है 3x, नीचे केवल x है, तो अगर मुझे यहां पे 3x बनाना होगा तो मैं 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो मैंने 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या होगा, अब ये जो 3 है कॉन्स्टेंट है, इसको मैं लिख सकता हूं 3 बाहर लिख सकता हूं। अब इसको मैं लिखूंगा लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x अपॉन 3x। तो इतना पार्ट किसके बराबर हो जाएगा, इतना पार्ट हो जाएगा बच्चों आपका 1 के बराबर। ठीक है, तो ये आंसर कितना आया, 3। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, सॉल्यूशन सेकंड को देख लीजिए,
सॉल्यूशन सेकंड कह रहा है कि लिमिट, अच्छा सॉल्यूशन सेकंड बाद में देखेंगे। अगर मैं इसी क्वेश्चन को, ये आपका लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन थ्री एक्स अपॉन एक्स को अगर मैं एक्सपेंशन वाले फार्मूले से करता तो मैं क्या लिख सकता था, मैं लिख सकता था कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन थ्री एक्स। देखिए यहां थीटा था तो यहां भी थीटा है, और अगर यहां थीटा की जगह थ्री एक्स है तो इसमें थीटा की जगह हर जगह आपका थ्री एक्स रखा जाएगा। तो मैं लिखूंगा थ्री एक्स माइनस थ्री एक्स टू द होल पावर थ्री अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस थ्री एक्स टू द होल पावर फाइव अपॉन फैक्टोरियल फाइव माइनस थ्री एक्स टू द होल पावर सेवन अपॉन फैक्टोरियल सेवन प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, डिवाइड में क्या है, डिवाइड में केवल एक्स है तो मैंने यहाँ पे एक्स लिख लिया, ये रहा। अब मैं क्या करता हूँ, थ्री एक्स को कॉमन ले लेता हूँ। क्यों, क्योंकि थ्री एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, हर एक टर्म में थ्री एक्स है तो मैं थ्री एक्स को कॉमन ले सकता हूँ। मैं लिखूंगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और मैं यहाँ पे लिखूंगा थ्री एक्स को मैंने कॉमन ले लिया, ऊपर बचेगा यहाँ पे वन बचेगा, थ्री एक्स कॉमन लूंगा तो एक पावर भी चली जाएगी तो हो जाएगा थ्री एक्स टू द होल पावर टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस थ्री एक्स टू द होल पावर फोर अपॉन फैक्टोरियल फाइव माइनस थ्री एक्स टू द होल पावर सिक्स अपॉन फैक्टोरियल सेवन प्लस एंड सो ऑन। ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई एक्स है तो मैंने एक्स लिया तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा मेरे पास में, मेरे पास बचेगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन माइनस थ्री एक्स होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस थ्री एक्स टू द होल पावर फोर अपॉन फैक्टोरियल फाइव माइनस थ्री एक्स टू द पावर सिक्स अपॉन फैक्टोरियल सेवन प्लस एंड सो ऑन। इतना बचा। अब मैं क्या करता हूँ, लिमिट ले लेता हूँ तो एक्स टेंस टू जीरो है तो देखिए एक टर्म को छोड़ करके सारी टर्म में एक्स है। ठीक है, अब मैं एक्स टेंस टू जीरो रखूंगा तो ये टर्म भी जीरो हो जाएगी, ये भी जीरो हो जाएगी, ये भी जीरो, मतलब कहने का ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो, और आगे आने वाली सारी टर्म आपकी जीरो हो जाएगी। तो क्या बचेगा, केवल आपका वन बचेगा, वन और यहाँ पे थ्री मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे आपका थ्री यहाँ पे था थ्री और वन केवल अंदर बचा तो कितना बच जाएगा, तो थ्री आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज योर आंसर। तो दोनों मेथड मैंने आपको बता दिया, मेथड फर्स्ट जो था वो आपका ये जो ऊपर के रिजल्ट हैं इन रिजल्ट के ऊपर आधारित था, और सेकंड मेथड जो मैंने आप लोग को बताया वो आपका एक्सपेंशन के बेस पे था। ठीक है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप एग्जाम में किस मेथड से करके आएंगे। दोनों मेथड से ईजी है और दोनों मेथड से सही भी है, तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन से मेथड से करेंगे। सॉल्यूशन सेकंड देखते हैं, सॉल्यूशन सेकंड लिखा हुआ है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन फाइव एक्स अपॉन टू एक्स। ठीक है, तो मैंने कहा था कि जो साइन के साथ एंगल में होता है उतना ही नीचे भी होना चाहिए, तो उतना तो नीचे है नहीं, यहां पे 5x है यहां पे केवल x है, तो लेकिन यहां पे बनाया जा सकता है। तो कैसे बनाएंगे, लिमिट x टेंस टू जीरो यहां पे मैं लिखूंगा साइन 5x डिवाइडेड बाई में 2x लिखा हुआ है 2x, तो x के साथ 5 होना चाहिए तो 5 के साथ मल्टीप्लाई में कर दीजिए। अब मल्टीप्लाई नीचे किया है तो मल्टीप्लाई फिर ऊपर भी करना पड़ेगा, ये हो गया। ठीक है, अब आप इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। अब देखिए इस टू को मैं लिख लेता हूं, देखिए ऊपर लिख लीजिए पहले फाइव साइन फाइव एक्स डिवाइडेड बाई, अब इस टू को मैं कुछ ऐसे लिख देता हूं टू इंटू फाइव एक्स। ठीक है, अब ये टू अपॉन फाइव, सॉरी नॉट टू अपॉन फाइव, फाइव अपॉन टू, फाइव अपॉन टू आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन फाइव एक्स अपॉन फाइव एक्स। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा आपका वन के बराबर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फाइव अपॉन टू इंटू वन, सो फाइव अपॉन टू इज द राइट आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सोल्यूशन थर्ड लिखा हुआ है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स, इतना लिखा हुआ है। ठीक है,
अब इसमें आप लोग को क्या करना है, या तो आप एक्सपेंशन वाला फार्मूला लगा लीजिए अगर आपको याद हो तो, अदरवाइज ये ऊपर वाले जो मेथड लिखे हुए जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है यहाँ से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। तो अब देखिए आप, मैं ऊपर वाले से सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे ऊपर ए एक्स है तो इसके नीचे में भी एक्स होना चाहिए, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन ए एक्स। अब ए एक्स यहाँ पर है तो मैंने ए एक्स यहाँ पर भी लिख लिया और मैंने ए एक्स ऊपर भी लिख लिया, मतलब ऊपर नीचे मैंने दोनों जगह मल्टीप्लाई इसका कर लिया। अब यहाँ भी साइन बी एक्स है तो जो एंगल में बी एक्स है, एंगल में बी एक्स है तो वो डिवाइड में भी बी एक्स होना चाहिए, तभी तो जाकर के आप रिजल्ट लगाओगे। और नीचे मल्टीप्लाई कर लिया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्या होगा, अब एक्स से एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, ए अपॉन बी बाहर आ जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि a अपॉन बी, अंदर क्या बचेगा लिमिट x टेंस टू जीरो साइन साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स डिवाइडेड बाई साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स। ठीक है, अब दोनों के साथ लिमिट अलग अलग कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा a अपॉन बी, ठीक है, ऊपर मिल जाएगा आपको लिमिट x टेंस टू जीरो साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स डिवाइड बाई लिमिट x टेंस टू जीरो साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स। ठीक है, और अगर इस तरीके की सिचुएशन आपको मिलती है जो एंगल यहां भी हो और यहां भी हो, लिमिट टेंस टू जीरो हो, तो आप उसको लिख सकते हो कि ये आपकी वन के बराबर है, तो ऊपर वाला भी वन के बराबर होगा और नीचे वाला भी वन के बराबर होगा, तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा ए अपॉन बी आएगा, जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए ये दो क्वेश्चन और है, इनको और करके देख लेते हैं तो इनसे और हमारा कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। तो सॉल्यूशन करते हैं पहले फोर्थ क्वेश्चन का। तो सॉल्यूशन फोर्थ लिखा हुआ है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन माइनस कॉस टू एक्स, तो वन माइनस कॉस टू एक्स। देखिए कॉस टू एक्स का एक फार्मूला है वो आपको याद रखना पड़ेगा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। इसको आप ओपन करेंगे, इसको आप ओपन करेंगे तो आप इसको लिख सकते हो कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन माइनस, ये वन हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे, फिर क्या बचेगा हमारे पास में, हमारे पास बचेगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टू इंटू साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो ये टू कॉन्स्टेंट है तो ये टू आ जाएगा बाहर, ये टू आपका बाहर आ जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, अब देखिए स्क्वायर लिखा हुआ है तो मैं इसको इतना लिख सकता हूँ कि साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि नीचे भी स्क्वायर है और ऊपर भी साइन स्क्वायर है। अब इसको मैं लिमिट की फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी से मैं इसको इतना लिख सकता हूँ। और इस पूरी लिमिट को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ वन, तो वन टू इंटू वन का होल स्क्वायर, तो टू इंटू वन और आंसर क्या हो जाएगा टू, सो टू इज द आंसर। ठीक है, यहां तक आई थिंक आपको समझ में आया होगा। सॉल्यूशन फिफ्थ लिखा हुआ है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स क्यूब। ठीक है, तो इसमें आप लोग क्या लिखेंगे इसको आप बड़े ध्यान से देखें। आप देखिए इसमें एक्सपेंशन मेथड भी लगा सकते हो, ये वाला एक्सपेंशन, ऊपर वाले में भी एक्सपेंशन लगा सकते थे। तो इसमें इसको मैं पहले ये जो रिजल्ट है इससे कर देता हूँ, फिर इसको एक्सपेंशन से करके देखते हैं। तो देखिए इस पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पार्ट को मैं लिख सकता हूँ कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, देखिए आपको पता है कि जो टेन थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, वो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और डिवाइड में है एक्स क्यूब। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो मैं इसको लिखूंगा लिमिट
एक्स टेंस टू ज़ीरो साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब कॉस एक्स। साइन एक्स को मैं कॉमन ले लेता हूँ तो मैं लिखूँगा लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो साइन एक्स आपका कॉमन आ गया, अंदर बचेगा वन माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इनको सब फंक्शन को अलग अलग ब्रेक करता हूँ और इसको मैं ब्रेक करूँगा अपनी कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए। तो मैं लिखूँगा लिमिट x टेंस टू ज़ीरो साइन x अपॉन x, ये मैंने x क्यूब को मैंने एक x यहाँ पे लिख लिया, और वन माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाई ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर लिया, और कोस एक्स को मैंने कुछ ऐसे लिख लिया वन अपॉन कोस एक्स। ठीक है, अब देखिए जब लिमिट है इनको मैं अलग अलग फंक्शन के साथ में इसको लिख देता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ इसको लिमिट x टेंस टू ज़ीरो साइन x अपॉन एक्स, एक तो ये हो गया, दूसरा मैं लिख सकता हूँ कि लिमिट x टेंस टू ज़ीरो वन माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू, और एक में लिख सकता हूँ कि लिमिट x टेंस टू ज़ीरो वन अपॉन कॉस एक्स, ये इतना मैं इसको लिख सकता हूँ। इस पार्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे इतने पार्ट को, तो ये तो आपका वन के बराबर हो जाएगा, ये आपका वन के बराबर होगा इंटू क्या बचेगा लिमिट x टेंस टू ज़ीरो वन माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, एक ये बचा इंटू। अब देखिए यहाँ पे देखिए जब मैं इसमें लिमिट रखूँगा तो कोस ज़ीरो हो जाएगा, कोस ज़ीरो की वैल्यू कितनी होती है वन के बराबर होती है, तो वन अपॉन वन, तो ये तो वन के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको मिल गया। इससे आगे मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट x टेंस टू ज़ीरो वन माइनस, देखिए कोस एक्स को मैं लिख सकता हूँ वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ट्रिग्नोमेट्री के अगर फार्मूले अगर आपको याद होंगे तो आप ये कॉस एक्स की जगह मैंने इतना लिखा है तो वो आपको पता चला होगा, नीचे है आपका एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास में लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो वन माइनस वन प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। वन वन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बचेगा क्या हमारे पास में, हमारे पास बचाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको देखिए जो यहाँ पे एंगल में क्या है, यहाँ पे एंगल में है एक्स बाई टू, यहाँ पे केवल एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको मैं कुछ ऐसे कर सकता हूँ कि देखिए इसको मैं ज़ीरो ये हो जाएगा टू, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे एक्स बाई टू लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, टू से मल्टीप्लाई करता हूँ, फोर से मल्टीप्लाई करता हूँ, फोर इंटू एक्स स्क्वायर बाई फोर। अब इस फोर को मैं लिख सकता हूँ टू स्क्वायर। अब ये जो एक्स बाई टू है इसको मैं कंप्लीटली स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूँ, मैं इसको लिखूंगा देखिए टू से टू कैंसिल हो जाएगा टू, तो वन अपॉन टू साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। अब जो यहाँ पे एंगल में था वही हमारा नीचे एंगल में मिल गया है, तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। मैं इसको लिखूंगा लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो वन बाई टू साइन एक्स बाई टू अपॉन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, इतना मैं लिख सकता हूँ। वन बाई टू कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। लिमिट फंक्शन के साथ में अरेंज हो जाएगी, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स बाई टू अपॉन एक्स बाई टू और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब सबको पता है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है वन के, तो वन अपॉन टू इंटू वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई टू, दिस इज डी आंसर। ठीक है, अच्छा इसी क्वेश्चन को अगर मैं एक्सपेंशन वाले मेथड से बताऊं तो उससे भी करके देख लेते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन को मैं एक्सपेंशन वाले मेथड से करूंगा तो कैसे सोल्व करूंगा, देखिए मैं लिखूंगा लिमिट x टेंस टू ज़ीरो टेन एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन एक्स की जगह मैं लिख सकता हूँ x प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री
प्लस एक्स टू दी पावर फाइव सॉरी टू अपॉन फिफ्टीन इंटू एक्स टू दी पावर फाइव, ठीक है, प्लस एंड सो ऑन। फिर क्या लिखा हुआ है, एक तो सीरीज ये हो गई माइनस साइन एक्स, साइन एक्स में क्या हो जाएगा एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस एक्स टू दी पावर फाइव अपॉन फैक्टोरियल फाइव माइनस एक्स टू दी पावर सेवन अपॉन सेवन प्लस एंड सो ऑन, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई क्या है एक्स टू दी पावर थ्री, ठीक है। अब ये जो माइनस है इसका मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, तो मैं लिखूंगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, देखें यहां पे एक्स है एक्स टू दी पावर थ्री अपॉन थ्री है प्लस टू अपॉन फिफ्टीन इंटू एक्स टू दी पावर फाइव प्लस एंड सो ऑन माइनस एक्स है, फिर ये प्लस हो जाएगा एक्स टू दी पावर थ्री अपॉन फैक्टोरियल थ्री, फिर ये माइनस हो जाएगा एक्स टू दी पावर फाइव अपॉन फैक्टोरियल फाइव प्लस एक्स टू दी पावर सेवन अपॉन फैक्टोरियल सेवन प्लस एंड सो ऑन, इतना आ जाएगा और डिवाइड में आ जाएगा आपके पास में एक्स टू दी पावर थ्री। अब देखिए ये प्लस के एक्स हैं, ये माइनस के एक्स कैंसिल हो जाएंगे, एक्स टू दी पावर थ्री लिमिट एक्स टू टेंस टू जीरो एक्स टू दी पावर थ्री अपॉन थ्री इधर से है प्लस एक्स टू दी पावर थ्री अपॉन फैक्टोरियल थ्री, ठीक है। एक टर्म ये हो गई, दूसरी टर्म क्या बनेगी टू अपॉन फिफ्टीन इंटू एक्स टू दी पावर फाइव माइनस एक्स टू दी पावर फाइव अपॉन फैक्टोरियल फाइव, और फिर आगे जाके कोई एक तीसरी टर्म बनेगी डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर थ्री, ये आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए यहां से अगर मैं एक्स टू दी पावर थ्री को कॉमन लेता हूं, ये मिल जाएगा मुझे लिमिट एक्स टेंस टू दी पावर थ्री, यहां से इस पूरे इसमें से मैं एक्स टू दी पावर थ्री को कॉमन लेता हूं, ऊपर क्या बचेगा यहां से, यहां बच जाएगा वन अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस इधर कितना बचेगा टू अपॉन फिफ्टीन, इधर बचेगा एक्स टू दी पावर टू माइनस एक्स टू दी पावर टू अपॉन फैक्टोरियल फाइव प्लस एंड सो, ठीक है। ये पूरी सीरीज में से मैंने एक्स टू दी पावर थ्री को कॉमन ले लिया, नीचे कितना है एक्स टू दी पावर थ्री, तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या बचेगी मेरे पास में केवल ये एक ये टर्म बचेगी, एक यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अब अगर मैं लिमिट लेता हूँ तो लिमिट लेने के बाद में मेरे पास में केवल और केवल ये वाली टर्म बचेगी, केवल ये टर्म, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, आने वाले टर्म में भी एक्स की टर्म आएगी, तो एक्स की जगह मैं जीरो रखूंगा तो सारी टर्म यहाँ से आगे जीरो हो जाएगी, सारी जीरो आ जाएगी, तो मेरे पास फाइनली क्या बचेगा कि वन अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री, और इसको मैं लिख सकता हूँ वन अपॉन थ्री प्लस थ्री इंटू टू इंटू वन फैक्टोरियल थ्री को मैं इतना लिख सकता हूँ, तो ये आ जाएगा वन अपॉन सिक्स नॉट सिक्स, ये आ जाएगा वन अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन सिक्स, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा आपके पास में सिक्स, थ्री टू जा सिक्स तो हो जाएगा टू प्लस वन, टू प्लस वन तो थ्री अपॉन सिक्स आ जाएगा, थ्री टू जा सिक्स तो ये हो जाएगा वन बाई टू, सो वन बाई टू इज़ द आंसर, ठीक है। तो दोनों मेथड से मैंने बता दिया, मैंने जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है इससे भी बताया, मैंने आपको एक्सपेंशन से भी बताया, तो अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से मेथड से एग्जाम में करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बच्चों केवल इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में और एक नए मेथड के ऊपर बात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।